हेलो गाइस, वेलकम टू वाई फाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाई फाई सिटी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, सुबह के 5 बज चुके हैं और सुबह के 5 बजे 10 से 15 मिनट का अपना एक सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग कई सारे करंट अफेयर के सवाल एजुकेट करते हैं और बहुत ही क्विक एंड फास्ट सेशन है जो कि होता है। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते, डिटेल वाला काम सुबह 8 बजे वाली क्लास का है। कल रात को 9 बजे भी मैंने आपको 24 अक्टूबर का करंट अफेयर करवाया है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लेना, आप ही लोगों के लिए बनाया। नहीं देखोगे तो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं देखोगे तो, ठीक है, तो जाके देख लेना। चलो, मैं तो यार आपका 3 दिन का करंट अफेयर छूटा, तो मैं आपको बना रहा हूँ डेली, रात को बैठ के कंटेंट भी बना रहा हूँ, क्लास भी ले रहा हूँ, आप हो कि यार उसको देखते ही नहीं हो। चलिए, तो जैसा कि आपको मालूम है, आज है दोस्तों 29th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों BHU 10 या Bhuvnesh 10, ठीक है, 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा अगर आप UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो UPSC के अंदर सारे टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, आप इस बार 170 प्लस बच्चों ने सिलेक्शन लिया है और ये सारे बेनिफिट्स हैं, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, गाइडेंस, सारे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस। आप यहाँ पे 12, 24 या 36 महीने सेलेक्ट करके नीचे की तरफ रेफरल कोड BHU 10 है जो कि लगा सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना तो आप सब्जेक्ट की भी अलग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है 40 प्लस एग्जाम में से, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने और नीचे की तरह रेफर कोड आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशल क्लास है, डेली शाम में 5 बजे होती है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये फाउंडेशन बैच है GS का जो कि मैं आपको SSC में पढ़ा रहा हूँ, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बच्चे के एजुकेशन आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से कर सकते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, ठीक है। पहला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है? तीर्थ यात्रा योजना किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा दोस्तों। अयोध्या यात्रा, तीर्थ यात्रा, बहुत सारी यात्राएं हैं जो कि दोस्तों इलेक्शन आ रहे हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट भी दोस्तों कराने का प्लान कर रही है, ठीक है। इस पेंडेमिक की वजह से ये होल्ड में चला गया था, अभी वापस से इसकी शुरुआत जो कि करी जा रही है। दिल्ली की बात करें दोस्तों तो NCT बना 1992 के अंदर, 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, अनिल बैजाल जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, डिप्टी CM मनोज सिसोदिया, 70 विधानसभा, 3 राज्यसभा, 7 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे। SDI के अंदर दोस्तों हाई है, 86% लिटरेसी, 878 सेक्स रेशो। पॉपुलेशन की बात करें तो 2.5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। जर्मन शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? जर्मन शांति पुरस्कार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये किसके द्वारा, ये किसके द्वारा दोस्तों, यहाँ पे तितिस्ती है दोस्तों, उनके द्वारा है ना, तितिस्ती जो है इनके द्वारा इस अवार्ड से, जिम्बाब्वे की फिल्म मेकर है, नोवेलिस्ट है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने आर्टिस्टिक काम किया है अपने जीवन में, इसके वजह से इनको इस नाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रोमिनेंट राइटर हैं दोस्तों, BBC के 100 इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट में भी देखने को मिलेंगे आपको। महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? DNS अलाउंस दोस्तों कितना बढ़ा दिया है? ओके, 31% दोस्तों इसको कर दिया गया है। DNS अलाउंस पहले था, DA होता ना, TADA, तो DA जो है पहले 28% था, उसको बढ़ा के 31% जो कि अभी कर दिया गया है, ठीक है गाइस। पेगासस जासूसी के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष के समिति में कितने सदस्य हैं? आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको लीड कौन कर रहा है, कितने सदस्य हैं ये भी पता होना चाहिए। तो जो टेक्निकल टीम बनाई गई है ना, उसमें टोटल 3 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये बताया है, ठीक है गाइस। 3 मेंबर का एक्सपर्ट कमिटी है जो कि इस सर्विलियंस को चेक करेगी, रविंद्रन जी है जो कि इसके हेड बनाए गए हैं, ओके, ठीक है। चलो, भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? अनीता आनंद, इनके जो पेरेंट्स थे वो कनाडा के अंदर शिफ्ट हो गए थे, इससे पहले भी दोस्तों इंडियन ही थे, कनाडा के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, और अभी भी जो बनी है वो भी इंडियन, मतलब इंडियन ओरिजिन के थे, अभी भी इंडियन ओरिजिन की है ये, और कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर है दोस्तों जो कि बनी है, ठीक है गाइज। यहाँ पे काफ़ी टाइम से पहले हरजीत सज्जन जी थे, उनको यहाँ पे हटाने के बाद इनको बनाया गया है। कनाडा की बात करें, ओटावा कैपिटल है, डॉलर करेंसी है, नायगरा फॉल बहुत ही फेमस है यहाँ पे, ओके, मतलब 2 मिलियन लेक है जो कि यहाँ पे देखने को मिलती है। नेशनल पार्क भी दोस्तों काफ़ी बड़ा है, सबसे दुनिया में सबसे बड़ी दोस्तों बॉर्डर बीच USA और
कनाडा की है। व्हाट इज व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज? ऑडियो विजुअल हेरिटेज मैंने आपको कल पढ़ाया था ना इसके बारे में कि ऑडियो विजुअल हेरिटेज दोस्तों पूरी दुनिया में 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑडियो विजुअल का मतलब यही कि दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करना, सुनना और देखने वाले ऑडियो विजुअल चीज़ों को, हेरिटेज को कंजर्व करना, इन सब चीज़ों को लेकर इसकी शुरुआत करी गई थी। गूगल डूडल ने ऑटो विर्चुअल को उनके 128वें जन्मदिन पर 27 अक्टूबर को सम्मानित किया। वह किस आविष्कार के लिए जाना जाता है? ऑटो के बारे में आपको बताना है। गूगल डूडल ने दोस्तों उनको 27 अक्टूबर को 108वीं बर्थ एनिवर्सरी उनकी मनाई है और ये दोस्तों कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं ना उसके आविष्कार के लिए दोस्तों ऑटो को जाना जाता है। ओके, चेक केमिस्ट थे, उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंसेज को पता किया था। ठीक है गाइस, आप सभी को मालूम है दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज आप पहन सकते हैं। मैंने भी बहुत साल पहने हैं लेकिन आपको अवॉइड करने चाहिए कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना, क्योंकि जब आप कभी लेज़र करवाते हैं, आंखें सही करवाते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, और बाद काफ़ी केयर भी जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज की करनी पड़ती है। अगर आप डेली उनको वॉश कर रहे हो सोल्यूशन से तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो काफ़ी पेन भी करेंगे। तो 1913 के अंदर इनका जन्म है जो कि हुआ था। नई अहमदाबाद IPL टीम के मालिक कौन है बताइए? नई अहमदाबाद टीम के मालिक दोस्तों जो बने हैं उनका नाम है RPSG ग्रुप, यानी कि ये आपका सही जवाब है। ठीक है गाइज, नहीं अच्छा अहमदाबाद के बारे में पूछा क्या? अहमदाबाद की है आपके CVC कैपिटल पार्टनर्स। ठीक है, तो CVC कैपिटल पार्टनर ने नई अहमदाबाद IPL टीम है दोस्तों जो कि 5,500 करोड़ के अंदर खरीदी है। कौन सा राज्य खाद्य तेल पर स्टॉक सीमा लगाने वाला पहला राज्य बन गया है? एडिबल ऑयल के ऊपर दोस्तों लिमिट है जो कि लगाई जा रही है। ठीक है गाइस, कौन सा राज्य है दोस्तों जो कि ऐसा कर रहा है? ठीक है गाइस, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। RPSG जो है वो तो लखनऊ को उन्होंने खरीदा 7,000 करोड़ के अंदर और इरेलिया कंपनी ने अहमदाबाद को खरीदा 5,500 करोड़ में। यहाँ पे दोस्तों स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने स्टॉक लिमिट के ऊपर दोस्तों अभी स्टॉक के ऊपर लिमिट लगा दिए एडिबल ऑयल को लेकर, क्योंकि एडिबल ऑयल दोस्तों काफ़ी महंगे हैं जो कि आज के टाइम पर हो गए हैं। ओके, पहला राज्य जिसने इम्पोज कर दिया स्टॉक के लिमिट करने को लेकर। ठीक है गाइस, काफ़ी कमी हो रही है इसकी, इस वजह से आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, योगी जी CM है, इसके अलावा दो यहाँ पे डिप्टी CM है, केशव प्रसाद और दिनेश शर्मा। 100 विधान परिषद, 403 विधानसभा, 31 राज्यसभा, 80 लोकसभा की सीटें हैं, 20 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। ठीक है, और ताजमहल आप देख सकते हैं, प्रेम मंदिर, कानपुर मेमोरियल, अहिल्या घाट, खुसरो भाग, आगरा फोर्ट है ना, यमुना ब्रिज, ये सब है इसके अलावा। ठीक है, 12 सिंगा मेम्बल है, बर्ड यहाँ पे सरस क्रेन है, पलाश फ्लावर है और ट्री अशोका है। ओके, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, 65,000 पर पर्सन पर ईयर है। 18वां एशियन इंडिया समिट कब करवाया जा रहा है? देखो भाई, कब करवाया जा रहा है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होस्ट कौन है, तो वो है ब्रुनेई। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 28 अक्टूबर को, यानी कि दोस्तों ठीक है अब 28 अक्टूबर को इसको करवाया जा रहा है। आज 28 अक्टूबर ही तो है, आज कितनी 29 हो गई ना, आज हाँ, तो कल के दिन है जो कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, सुल्तान ऑफ ब्रुनेई के द्वारा इनविटेशन है जो कि दी गई थी। ये देखिए, ये सारे एशियन कंट्रीज है, 10 कंट्रीज है एशियन कंट्रीज। शावकत किस देश में प्रचंड जीत में दूसरा कार्यकाल हासिल किया है? तो शावकत दोस्तों सेकेंड टर्म जो है अभी जीत चुके हैं और ये कहाँ के हेड है? उज्बेकिस्तान के हेड है, तो प्रेसिडेंट है दोस्तों उज्बेकिस्तान के, री इलेक्ट है जो कि 5 साल के लिए हुए हैं, 80% वोट है जो कि इनको मिला है। ठीक है गाइस, 80% वोट मिलना बहुत बड़ी बात है वैसे। ओके, थर्ड प्राइम मिनिस्टर है उज्बेकिस्तान के दोस्तों। ठीक है गाइस, और सेकंड भी पहले यही थे। उज्बेकिस्तान की बात करें और ताशकंद यहाँ पे कैपिटल है। करेंसी दोस्तों बात करें तो करेंसी क्या चलती है? सोम यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है गाइस, इंडिपेंडेंस सोवियत यूनियन से 1991 में इनको मिली थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में 6 टीकाकरण वाले लोगों में नए कोविड AY4 वेरिएंट का पता चला है? आपको मैंने कल भी पढ़ाया था कि नया वेरिएंट है जो कि अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है UK के अंदर, जो कि इसका नाम है AY4। इंडिया के अंदर ये केसेस देखने को नहीं मिले, लेकिन अभी 6 लोगों को टीकाकरण हो चुका है, फिर भी उनको दोस्तों
चार लोगों के अंदर ये वेरिएंट आ चुका है और ये कहाँ पे पाए गए हैं, ये मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। 6 फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को दोस्तों इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्फेक्शन पाया गया है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे गवर्नर है मंगूभाई पटेल, 230 विधानसभा, 29 लोकसभा, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। फिर 56 में इसका फॉर्मेशन है जो कि हुआ था। 12 सिंगा मैमल है, बर्ड इंडियन पैराडाइज, मैसिर फिश है, पलाश फ्लावर है, फ्रूट मैंगो और ट्री यहाँ पे बैनियन है। आईपीएल की दो नई टीमें कौन सी हैं तो आप सभी को मालूम ही है, अहमदाबाद और लखनऊ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बताया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नई आईपीएल टीम के लिए 7,000 करोड़ रुपए की विजेता बोली लगाई है, ये भी अभी अभी ही बताया है मैंने आपको, आरपीएसजी है। ओके, तो इन्होंने लखनऊ की टीम को खरीदा है 7,000 करोड़ के अंदर, ठीक है गाइस। निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रिया का नया चांसलर नियुक्त किया गया है, तो ऑस्ट्रिया के दोस्तों जो नए चांसलर नियुक्त करे गए हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर, तो बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है गाइस। ऑस्ट्रिया की बात करें, वियना कैपिटल है दोस्तों, यहाँ पे करेंसी की बात करें, ओके, तो सबसे ओल्डेस्ट नेशनल फ्लैग भी है वैसे इसका, है ना, और यूरो है जो कि यहाँ पे चलता है दोस्तों। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन। अन अकेडमी पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए BHU10 या BHU10 आप रेफरल कोड लगा सकते हैं। UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, किसी भी एग्जाम के लिए आपको करना क्या है, ये सारे के सारे बेनिफिट हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे होंगे। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है अपना। 40+ एग्जाम में से किसी के लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस में जाइएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 और यहाँ पे BHU10 आपको लगाना है, ठीक है गाइस। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, फिर मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।